हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। हमने अब तक चैप्टर नंबर 14 तक देखा था। अब 15 स्टार्ट करने जा रहे, लॉजिकल डिजाइन का, क्यूब और डाइस के बाद। क्यूब और डाइस के बाद हम ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स देखेंगे और हमारा लॉजिकल रीजनिंग पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So, a cube is a three-dimensional figure having eight corners, six surfaces and 12 edges. क्या क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं गाइस। एट कॉर्नर्स, सिक्स सर्फेसेस, 12 एजेस। कितने होते हैं? एट कॉर्नर्स, सिक्स सर्फेस, 12 एजेस। एट कॉर्नर्स, सिक्स सर्फेस, 12 एजेस। फिर से बोलिए। एट कॉर्नर, सिक्स सरफेस, 12 एजेस। एट कॉर्नर, सिक्स सरफेस, 12 एजेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। सम फैक्ट्स अबाउट क्यूब। इफ क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल ऑफ इट्स सरफेस विद अ कलर, देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, देन आफ्टर सेपरेशन नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स सो ऑब्टेंड विल बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद थ्री सरफेसेस पेंटेड इज इक्वल टू एट। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद टू सरफेस इज पेंटेड एन माइनस टू इंटू 12। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद वन सरफेस पेंटेड एन माइनस टू स्क्वायर इंटू 6। नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद नो सरफेस पेंटेड एन माइनस 3 क्यूब। मतलब ये है हमारा क्यूब। क्या है क्यूब? ये है हमारा प्यारा प्यारा क्यूब। तो इसमें कितने सरफेसेस होते हैं? सिक्स सरफेस, 12 एजेस और आठ कॉर्नर। कॉर्नर देखिए ना, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो ना कितने आए? ये चार हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो ना आठ कैसे आए? ओके, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद थ्री सरफेस पेंटेड इज इक्वल टू 8। अगर इन क्यूब का तीनों सरफेस को अगर हमने पेंट कर दिया तो फॉर्मूला क्या आएगा? तीनों सरफेस पेंट कर दिए। ओके, क्यूब में इन ऑल कितने सरफेस होते हैं? सरफेस कितने होते हैं गाइस? 6 सरफेस। पर अगर नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विद थ्री सरफेस पेंटेड इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विद टू सरफेस पेंटेड, मतलब अगर दो सरफेस पेंट कर दिए तो n माइनस 2 इंटू 12। ओके, उसके बाद अगर नंबर ऑफ क्यूब विद वन सरफेस पेंटेड देन n माइनस 2 स्क्वायर इंटू 6, और इफ नो सरफेसेस आर पेंटेड देन n माइनस 2 क्यूब। ये याद रखिएगा गाइस। ओके, हियर n नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सरफेस ऑफ बिगर क्यूब, लेंथ ऑफ अ फॉर्मूला, लेंथ ऑफ एज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एज ऑफ वन स्मॉलर क्यूब, लेंथ ऑफ एज ऑफ वन स्मॉलर क्यूब। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। अब एग्जांपल देखना स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 1, काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द गिवन फिगर। अब फिगर दिए उन्होंने, उन्होंने बोला है कि उसमें ब्लॉक्स कितने हमें ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? ब्लॉक्स। देखिए Thank you.
गाइस मेरा कंप्यूटर अटक गया है इसलिए बस रुकिए। ये फिगर है ये ब्लॉक, इसमें कितने ब्लॉक है हमें ढूंढने हैं गाइस। ओके सो लेट्स स्टार्ट अगेन, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। उन्होंने क्या किया, ये यहाँ पर ऐसे ये ऐसी फिगर है। मुझे बताया आप, ड्राइंग मेरी बहुत खराब आ गई है फिर भी समझ लीजिए इसमें ब्लॉक कितने हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर आउट दैट देर आर फोर ब्लॉक्स इन लोअर लेयर क्लोज टू द ग्राउंड। कितने ब्लॉक्स है, फोर ब्लॉक्स है। कैसे, एक दो तीन और चार। ये यहाँ पर भी एक लाइन है, कितने ब्लॉक्स है, एक दो तीन चार। लोअर लाइन में कितने, चार। Also there are three blocks standing over lower layer of block. कितने, एक दो तीन। So कितने हुए, चार प्लस तीन सेवन। Okay. A cube is colored red on two opposite faces, blue on two adjacent faces, and yellow on remaining. अब ये question अगला वाला देखते हैं, मैं पढ़ रही हूँ। Okay. A cube. ये है cube. क्यूब को क्या किया है उन्होंने, क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन टू डिफरेंट अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेसेस को किसका कलर दिया है, रेड। फिर ब्लू ऑन टू एडजेसेंट फेसेस, कौन सा, ब्लू ऑन टू एडजेसेंट फेसेस, एंड येलो ऑन टू रिमेनिंग फेसेस। ये येलो और ये सामने वाला भी एक येलो। ओके two adjacent pieces. It is then cut into two halves along with a plane parallel to red faces. मतलब इसके दो red faces बन गए, right? इनको parallel में cut कर दिया। One piece is cut into four equal cubes, another into 32 equal cubes. अब ये तो जो हमने डिवाइड किए, तो ये एक जो क्यूब है इसको उन्होंने किस में डिवाइड किया, फोर में। और ये जो अनादर क्यूब है जिसको डिवाइड किया है, इसको छोटे 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 32 पीसेस में कट किया। ओके क्या ढूंढना है, हाउ मेनी क्यूब विल नॉट हैव कलर्ड फेसेस। अब इनमें से कितने क्यूब्स हैं कि जिनको कलर्ड फेसेस नहीं होंगे। ओके लेट्स सी, ओनली फोर स्मॉलर क्यूब्स फ्रॉम इनसाइड क्यूब विल हैव नन ऑफ देयर फेसेस पेंटेड। ओके समझ रहे हो गाइस, कैसे आया समझ में आया। हाउ मेनी क्यूब्स विल नॉट हैव एनी रेड फेस, किसको नहीं होगा, कितने क्यूब्स को नहीं होगा, 16 क्यूब्स फ्रॉम सेकेंड लेयर फ्रॉम द बॉटम विल नॉट हैव एनी रेड फेसेस। बराबर, मतलब इधर इधर कहीं भी रेड फेसेस नहीं आएगा, मतलब इधर अगर जो कट भी मारा है ना इधर, तो यहाँ पर रेड फेसेस नहीं आएंगे। ओके हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव एट लीस्ट टू कलर्ड फेसेस, तो कितने होंगे, number of three faces colored cube plus number of two faces colored cube, 8 plus 12 is equal to 20,
समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना क्यूब। अब आते हैं हम डाइस की ओर। डाइस, डाइस मतलब क्या? अ डाइस इज फॉर्म बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। दिस फॉर्म में बी वन टू थ्री फोर फाइव और ये हो गया सिक्स। ओके अब दीज फॉर्म्स में बी वन लाइज अपोजिट टू सिक्स, बराबर वन लाइज अपोजिट टू सिक्स, टू लाइज अपोजिट टू फोर, टू लाइज अपोजिट टू फोर, ओके थ्री लाइज अपोजिट टू फाइव, थ्री लाइज अपोजिट टू फाइव। समझ रहे हो गाइस? ऐसे डाइस मतलब ऐसे दिए जाएंगे फिगर्स, उसको सो उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इसके अपोजिट क्या है, उसके अपोजिट क्या है, उसके हमें आंसर्स देने। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन लाइज अपोजिट ऑफ थ्री, टू लाइज अपोजिट ऑफ फाइव, फोर लाइज अपोजिट ऑफ सिक्स। कैसे अपोजिट हो रहा है देखा? ओके आई होप समझ में आ रहा है। फिर टाइप्स ऑफ डाइसेस, डाइस के कितने टाइप्स होते हैं अब वो देखते हैं। गाइस हम देख रहे टाइप्स ऑफ डाइसेस, डाइस के कितने प्रकार हैं। ऑर्डिनरी डाइस, इन दिस टाइप ऑफ डाइस द सम ऑफ अपोजिट इज नॉट सेवन बट सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर सेवन। स्टैंडर्ड डाइस, इन दिस टाइप ऑफ डाइस द सम ऑफ अपोजिट इज साइड्स इज सेवन, मतलब सभी का सम मिला के सेवन होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी साइज। स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस का पूरा का अपोजिट का सम सम मतलब प्लस करेंगे तो सेवन नहीं आता। ऑर्डिनरी का सेवन नहीं आता और स्टैंडर्ड का सेवन आता है। ओके एक्सरसाइज एग्जाम्पल लेते हैं। टू पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज थ्री। ओके दो डाइस दिए हुए हैं, ओके सिक्स फाइव फोर वन सिक्स थ्री। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। टू पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज थ्री। अब टॉप थ्री है तो बॉटम में कौन सा नंबर आएगा? यूजिंग बोथ डाइस वी कैन से वन थ्री फोर एंड फाइव आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ सिक्स। वन थ्री फोर फाइव कौन कौन से एडजेसेंट है? वन थ्री कौन से एडजेसेंट है? वन थ्री फोर, वन थ्री फोर फाइव आर एडजेसेंट ऑफ सिक्स। ओके ये तो हमको समझ में आ गया। सो टू इज अपोजिट टू, टू इज अपोजिट टू सिक्स, टू इज अपोजिट टू सिक्स, राइट? कौन अपोजिट है सिक्स के? टू। Here, 4 and 6 are adjacent to 5. 4 and 6 are adjacent to 5. Ka. So, either 1 or 3 is opposite to 5. Okay. But, 1 and 3 both are adjacent and when 1 is at top, then 3 is adjacent side. Barabar. 1 is at top, 3 is adjacent side.
So 3 lies opposite of 5. 3 lies opposite to 5. बराबर समझ रहा है क्या चल रहा है. 3 lies opposite to 5. Then the number at the bottom will be 5. Okay? समझ में आ रहा है. चलो अब एक सम कर लेते हैं, मतलब एक्सरसाइज का ही कोई. पहले ये देखना है और फिर उसका अनफोल्ड स्ट्रक्चर करना है. ओके, अनफोल्ड स्ट्रक्चर मतलब मैंने पहले से बताया वैसे. अब उन्होंने दिया है डाइस, ये दो डाइस दिए. एग्जाम्पल ओके, ये हो गया डाइस. अब इसके नंबर्स दिए 6, 3, 4 5, 1, 3. Okay. Unfolded structure of given dice can be shown as. अब इसके unfold structure हम करेंगे. Unfold मतलब ये folded structure है, इसको अब हम unfold करेंगे. Okay. कैसे हुआ अनफोल्ड देखा आपने. देखिए ये क्या हुआ, समझ रहे क्या चल रहा है. 6, 3, 4 लिया हमने. 6, 3, 4 ये हो गया डाइस ऐसा. और 5, 1, 3 ये हो गया ऐसा डाइस. ओके समझ रहे क्या चल रहा है. 2 कैसे आया आप बोलेंगे. आप देख बताती हूँ. देखिए क्लियरली नंबर 4 इज अपोजिट टू 5. बराबर नंबर 4 इज अपोजिट टू 5. ओके समझ में आ रहा है. नेक्स्ट देखते ऑन द बेसिस ऑफ 2 फिगर्स ऑफ डाइस यू हैव टू टेल व्हाट नंबर विल बी देयर एट बॉटम इफ वाई इज एट टॉप. अगर फाई टॉप में है तो बॉटम में क्या होगा, ऐसा उन्होंने पूछा है. ओके ये डाइस है. ये डाइस है, इस पर लिखे 1, 4, 2, 6, 2, 3. ओके अब इसका आंसर क्या ढूंढना है कि उन्होंने आंसर क्या दिया है. उन्होंने पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ 2 फिगर्स यू हैव टू टेल व्हाट नंबर विल बी देयर एट बॉटम इफ 5 इज एट टॉप. अगर 5 टॉप पे होगा तो बॉटम में क्या होगा, ऐसा उन्होंने पूछा है. सो इसको पहले अनफोल्ड कर लेते. Thank you.
both the figures of dice suggest 4, 1, 3, 4, 1, 3, and 6 can't be opposite to 2 as they lie on adjacent surface. Hence, number 5 will be opposite to 2. कौन सा नंबर आएगा अपोजिट टू टू? 5. ओके, समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा है. गाइस, हमने ये देख लिया क्यूब्स का. आई होप मुझे आपको समझ में आ गया. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16. चैप्टर 16 किसका है? ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स. Grouping of identical figures. Okay, in this chapter, we have a set of few figures which are numbered as 1, 2, 3, 4. We are required to analyze these figures and classify them into groups consisting of figures having more or less of same properties. Okay, similar figures ko ek saath lana hai. The best answer is to be selected from given set. फेयरली क्लोज अल्टरनेटिव. क्लोज अल्टरनेटिव को हमको एक साथ लाना है. ओके, एग्जाम्पल 1. ये है एक फिगर, ये है एक फिगर, ये है एक फिगर, the fourth figure, ये fifth figure, ये sixth figure, ये eighth figure. अब इसमें कौन से ज्यादा सिमिलर है? उन्होंने सॉल्यूशन में दिया है. अब इसमें से सिमिलैरिटी ढूंढना. ओके, देयर आर टू क्लासेस ऑफ थ्री फिगर्स ईच. ए figure differ in certain way from B, which two of four figures belong to class A. अब क्या है? ये, ये और ये triangle है, okay? So ये तीन का combination बन जाएगा. They are similar, right? Then example 2. ऐसे फिगर दिया, फिर ऐसा करके सर्कल किया है, फिर ऐसा करके ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, फिर ऐसा करके कौन सी सिमिलर है? आंसर विल बी ये फिगर सिमिलर होगी. क्यों? ईच फिगर इन क्लास ए कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर क्लोज्ड फिगर्स व्हिच आर प्लेस्ड इनसाइड ईच अदर. ओके, जिनको अंदर अंदर खुद के अंदर मतलब समा लिया है. तो ऐसे फिगर्स में ये आता है. ओके, इसके अंदर ये है, राइट? तो हो गई ये फिगर. ओके, Understood guys? Hope आपको समझ में आ गया होगा. तो guys, आपको मैंने जितना हो सका उतना logical reasoning पढ़ाया है. तो अब logical reasoning हमारा खत्म हो गया है. हम कल से general knowledge की ओर जाएंगे और हमारे general knowledge पूरा होने के बाद हम legal terms देखेंगे, English देखेंगे और legal terms, English के meanings देखेंगे, antonyms, synonyms जो हमारे रह गए, और रहा हुआ illegal terms. Okay? फिर हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा. फिर हम जाएंगे paper solving की ओर. तो हम कौन से paper solve करेंगे? पिछले 3 साल के. फिर practice paper करेंगे. Hope इतनी practice हमारे लिए बहुत होगी. So bye guys.